फाइनली जैसे ही मैंने वो सेशन को एंड किया उसके बाद ही ये सेशन फिर से आ गया है, ठीक है, फाइनली। तो इसलिए मैंने तुरंत रिकॉर्डिंग इसके स्टार्ट कर दी है। उस वक्त ये बिल्कुल एकदम से गायब हो गया था, ठीक है, तो सॉरी, वो पहले जो सेशन नहीं हो पाया था, ठीक है, फाइनली आ गया। मुझे आज रिकॉर्ड करना है ये सेशन, मैंने दिमाग में रखा हुआ था, सो सॉरी। अभी जैसे ही मैंने उस सेशन को एंड किया है तुरंत ही ये पीपीटी मेरी ओपन हो गई, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, हम लोग फिर से जहाँ पे थे वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हो गया था आपका, पावर हो गया था, आई डोंट नो क्या हो गया था उस टाइम पे, ये पावर पॉइंट वर्क ही नहीं कर रहा था, ठीक है। और जैसे ही मैंने सेशन को एंड किया है तुरंत ही ये ओपन हो गया। ये 3 पार्ट में मेरा मैराथन, बिल्कुल क्या ही कहूँ। चलो ठीक है, कोई नहीं, आ जाओ इधर, जो मैं यहाँ पे समझाना चाह रही थी वो देख लो आप लोग भी। होता है ये सब चीजें, होती रहती है। कहाँ पे थे हम लोग, थ्योरेटिकल जो अप्रोचेस हैं वहां पे थे ना। ठीक है, ये थ्योरेटिकल अप्रोचेस थी सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन की, जिसमें सिंबॉलिक इंटरैक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, ठीक है, सिंबॉलिक इंटरैक्शनलिज्म की अगर मैं बात करूं, ये एक्सप्लेन करता है सोशल बिहेवियर्स को इन टर्म्स ऑफ हाउ पीपल इंटरैक्ट विच ईच अदर वाई सिंबल, मतलब कैसे लोग एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं सिंबल्स के थ्रू। इट वॉज इसको डेवलप किसने किया था, अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसीलिए मैं ये डिटेल वाला आपको दिखाना चाह रही थी, ठीक है, जो वहां पे लिखने में मुझे टाइम लग रहा था। इसे डेवलप किसने किया था, इसको डेवलप किया था जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने, ठीक है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने और हर्बर्ट ब्लूमर ने इस कंसेप्ट को यहाँ पे डेवलप किया था। मीड बिलीव करते थे वन सेल्फ, जो वन सेल्फ है वो डेवलप किसके थ्रू होता है, थ्रू सोशल इंटरेक्शन। ये कौन बिलीव करते थे, मीड इस चीज को बिलीव करते थे। तो पहला पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना, जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है वहां पे क्या देखा जाता है कि कैसे लोग आपस में इंटरैक्ट करते हैं सिंबल्स के थ्रू, ठीक है, सिंबल्स के थ्रू लोग आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका जो इसको इसको किसने डेवलप किया था, ये आपकी जॉर्ज हर्बर्ट मीड है, ठीक है, और कौन है आपके ब्लूमर, ये ब्लूमर उनके स्टूडेंट थे। मीड जो थे वो बिलीव करते थे किस कंसेप्ट पे, वन सेल्फ, ठीक है, वन सेल्फ जो डेवलप होता है वो थ्रू सोशल इंटरेक्शन डेवलप होता है। जॉर्ज हर्बर्ट मीड इज कंसिडर्ड एज अ फाउंडर ऑफ अ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, ठीक है, ही इज द फाउंडर ऑफ अ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। मीट के जो स्टूडेंट थे हर्बर्ट ब्लूमर कॉइन द टर्म सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म एंड आउटलाइन दीज बेसिक प्रमाइसेस, ठीक है। इन्होंने जो हर्बर्ट ब्लूमर थे, ठीक है, हर्बर्ट ब्लूमर ने क्या किया, मीट के 3 कंसेप्ट को, ठीक है, मीट जो थे उनके 3 कंसेप्ट को आगे बताया, ठीक है, जिसमें इन्होंने किसकी बात की थी, इन्होंने बोला था ह्यूमन इंटरैक्ट विथ थिंक बेस्ड ऑन मीनिंग, ठीक है, ह्यूमन जो है वो किसके थ्रू इंटरैक्ट करते हैं, मीनिंग के थ्रू, मतलब जिस चीज के बारे में वो इंटरैक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है उसकी मीनिंग, ठीक है। इन्होंने 3 चीजों पे बात की थी, पहला बात किया था मीनिंग पे बात किया था, ठीक है, दूसरी बात इन्होंने लैंग्वेज की थी, ठीक है, तीनों पॉइंट ध्यान रखना, और तीसरी बात थॉट्स किए थे, ठीक है, थॉट्स किए थे। ब्लूमर ने एक्सटेंड किया था मीट की थ्योरी को और फोकस किया था 3 बेसिक कंसेप्ट पे, मीनिंग पे, लैंग्वेज पे और थॉट पे। इन्होंने बोला था ह्यूमन जो है इंटरैक्ट करते हैं विद द थिंग बेस्ड ऑन मीनिंग, एस्क्राइब टू दोज थिंग, है ना, द एस्क्राइब मीनिंग ऑफ दीज थिंग कम्स फ्रॉम अवर इंटरैक्शन विद अदर विद अदर्स एंड सोसाइटी, एंड द मीनिंग ऑफ थिंग्स आर इंटरप्रेटेड बाय अ पर्सन व्हेन डीलिंग विद थिंग्स इन अ स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस। तो ये था आपका सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, जहाँ पे मीड ने आई एंड मी के कंसेप्ट के बारे में भी बात की थी, ठीक है, आई एंड मी के कंसेप्ट के बारे में भी बात की थी। एक मिनट, आई और मी के कंसेप्ट के बारे में भी यहाँ पे बात की थी। जो आई होता है वो कंट्रोल करता है, आई इज कंट्रोल बाय इम्पल्सेस एंड बेसिक जो ह्यूमन नीड्स होती हैं उसके थ्रू, और मी जो होता है वो क्या होता है, वो डेवलप होता है थ्रू द इंटरेक्शन, थ्रू द इंटरेक्शन, ठीक है। मैं भी आगे और समझाती हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे क्या था, जो ये मीड थे इन्होंने डेवलप की थी सेल्फ को, ठीक है, मीड ने किया था डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ का, ठीक है, जहाँ पे इन्होंने 2 कंसेप्ट के बारे में बात की थी, ठीक है,
सबसे पहले समझो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, जो वर्ल्ड है ठीक है वो कंस्ट्रक्ट किसके थ्रू होता है, मीनिंग, मतलब वर्ल्ड जो है वो कंस्ट्रक्ट होता है थ्रू मीनिंग्स दैट इंडिविजुअल अटैच टू सोशल इंटरेक्शन, जहां पे इन्होंने दो टर्म्स का यूज किया ठीक है। जो पहला टर्म था वो आई, दूसरा जो टर्म था ये मीर ने यूज किया था वो मी। आई जो है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, इस कंट्रोल्ड बाय इम्पल्सिस ठीक है, इस कंट्रोल्ड बाय इम्पल्सिस एंड बेसिक एंड बेसिक ह्यूमन नीड्स ठीक है। उसके अलावा मी को हम लोग डेवलप कर सकते हैं थ्रू इंटरैक्शन ठीक है, थ्रू सोशल इंटरैक्शन, थ्रू सोशल इंटरैक्शन ठीक है। ये बोला था इन्होंने, बोला था कि ये जो मी है इट इज द सोशल पार्ट ऑफ द सेल्फ, इट इज द सोशल पार्ट ऑफ सेल्फ, ये चीज इन्होंने यहाँ पे बोली थी। उसके बाद इसी कंसेप्ट को ब्लूमर ने एक्सटेंड किया था, जहां पे इन्होंने तीन बेसिक कंसेप्ट दिए थे, मीनिंग लैंग्वेज एंड थॉट, मीनिंग लैंग्वेज एंड थॉट, तीन बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे इन्होंने दिए थे ठीक है। ये चीज समझ में आई या नहीं आई, यही चीज मैं वहां पे बताना चाह रही थी। एक मिनट भाई, अब मत गायब हो, इतनी देर से गायब थे ठीक है। ये समझ में आया, अब आ जाओ नेक्स्ट। ये सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म था ठीक। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनलिज्म में। जब स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनलिज्म में आते हैं, जब स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनलिस्ट थ्योरी फोकसेस ऑन द वे दैट यूनिवर्सल एजुकेशन सर्व्स द नीड ऑफ सोसाइटी, फंक्शनलिस्ट फर्स्ट सी एजुकेशन इन इट्स मैनिफेस्ट रोल कन्वेइंग बेसिक नॉलेज एंड स्किल टू द नेक्स्ट जनरेशन। डर्किन जो थे वो उसके फाउंडर थे फंक्शनलिस्ट थ्योरी के, उन्होंने आइडेंटिफाई किया जो लेटेंट रोल होता है एजुकेशन का, इंपॉर्टेंट कीवर्ड ठीक है, एज वन ऑफ द सोशलाइजिंग पीपल इनटू सोशल सोसाइटी मेन स्ट्रीम। मतलब एजुकेशन का एक छुपा रोल होता है जिसके थ्रू रोल जो पीपल है वो क्या करते हैं, सोशलाइज करते हैं अपनी सोसाइटी में ठीक है। सो स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनलिज्म इंटरप्रेट ईच पार्ट ऑफ अ सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ हाउ इट कंट्रीब्यूट टू द स्टेबिलिटी ऑफ अ होल सोसाइटी, इस चीज में ये कंट्रीब्यूट करता है। डर्किम एक्चुअली इन्विजेंट सोसाइटी एज एन ऑर्गेनिज्म, जस्ट लाइक विद इन एन ऑर्गेनिज्म ईच कंपोनेंट प्लेज अ नेसेसरी पार्ट। डर्किम ने क्या बोला, ये जो हम ये हमारा जो सोसाइटी है वो एक ऑर्गेनिज्म की तरह काम करता है, इसके जितने भी पार्ट है, जैसे एक बॉडी में जो जैसे हमारी ऑर्गेनिज्म है ठीक है, ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी पार्ट होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं ठीक है, वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है। उसके अलावा स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट थ्योरी शोज दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ अ सोशल इंस्टीट्यूशन आर प्राइमरी कंपोज ऑफ सोशल फैक्टर्स ईच ऑफ विच इज डिजाइन टू फिल डिफरेंट नीड्स। मतलब जो जो सोशल इंस्टीट्यूशन में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है, सबके अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग नीड्स होती हैं जिसको उनको फुलफिल करना होता है ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फंक्शनलिज्म इंस्टीट्यूशन ओनली एग्जिस्ट बिकॉज इट सर्व एज अ वाइटल रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी। इंस्टीट्यूशन कैसे क्यों एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वो वाइटल रोल प्ले करता है इन द फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी। अभी आते हैं कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में कुछ चीजों को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको, रुको प्लेन स्लाइड पे आ जाओ। अब जल्दी से मैं बता दूं, नहीं तो प्लेन स्लाइड इधर उधर हो गई। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी किस चीज पे बिलीव करते हैं, कॉम्पिटिशन ओवर स्कैर्स रिसोर्सेज। इधर ही आ जाओ। जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज है इज बेस्ड अपॉन द एजुकेशनल सिस्टम विच रीइंफोर्सेस दैट परपेट और सोशल इनइक्वालिटीज दैट अराइज फ्रॉम द डिफरेंसेस इन द क्लास जेंडर रेस एंड एथेंटिसिटी ठीक है। वो क्या बताती है, जो सोशल इनइक्वालिटीज है वो किसकी वजह से अराइज हुई है, जो डिफरेंसेस हैं क्लास में, जेंडर में, रेस में, इथेनिटी में, इसकी वजह से। सम ऑफ इट्स पर्पस कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज बिलीव दैट एजुकेशन इज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट विच इज कंट्रोल्ड बाय दोज विद द पावर, इट्स पर्पस इज टू रिप्रोड्यूस द इनइक्वालिटीज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द सोसाइटी एज वेल एज लेजिटिमाइज एक्सेप्टेबल आइडियाज विच एक्चुअली वर्क टू रीइंफोर्स द प्रिविलेज पोजिशन एंड ऑफ द डोमिनेंट ग्रुप ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी बिलीव कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट बिलीव दिस सोशल रिप्रोडक्शन कंटिन्यूज टू अकर बिकॉज द होल एजुकेशन सिस्टम इज ओवरलेन विद द आइडियोलॉजी प्रोवाइडेड बाय द डोमिनेंट ग्रुप। मतलब ये जो चीज है कि ये जो ये जो स्ट्रेटिफिकेशन हो रहा है ठीक है, मतलब ये बिलीव करते थे जो सोशल रिप्रोडक्शन है वो हमेशा चलता रहेगा ठीक है, ये खत्म नहीं होना है ठीक। अकॉर्डिंग टू द कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, यहाँ पे अब ये कीवर्ड है,
कॉम्पिटिशन ओवर स्कार्स रिसोर्सेज, ये क्या है, एक बेसिस है सोसाइटी के कॉन्फ्लिक्ट होने में। जो कौन सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि वो जो दुर्लभ संसाधन है वहां पे कॉम्पिटिशन है, दुर्लभ संसाधन पे क्या हो रहा है, कॉम्पिटिशन ओवर स्कार्स रिसोर्सेज इज अ बेसिस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, बेसिस ऑफ सोसाइटी कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, ये क्या है, बेसिस है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ही जो होता है वही सोशल चेंज में टर्न होता है। यही जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है स्कैर्स रिसोर्सेज की वजह से ही तो हो रहा है, स्कैर्स रिसोर्सेज की वजह से तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, यही क्या करता है सोसाइटी में चेंज लेकर आता है, यही सोसाइटी में आगे चलकर चेंज लेके आता है। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कुछ इनकी स्टेजेस थी, यहाँ पे मैंने डाली नहीं डाली है, चलो इनके कुछ स्टेजेस हैं वो यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ, इधर आ जाओ, ये तो वो है, एक मिनट को, ये डिटेल वाली है, हम लोग अपनी स्लाइड पे आ जाते हैं, बस अब जाए ना, नहीं तो फिर बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ऑलरेडी फोर्थ पार्ट हो, पार्ट थ्री पार्ट हो चुके हैं। ठीक है, मैं जल्दी से कवर करा दूँ इसको, अरे ये सारी चीजें हम लोग को पढ़नी है। ये रहा कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का पढ़ लिया है, यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे लिख लो, कुछ स्टेजेस होती हैं आपकी कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस की। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस की कौन कौन सी स्टेजेस होती है वो चीज आप यहाँ पे लिख लो, कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस स्टेजेस। ठीक है, पहली स्टेज क्या है, नाम याद रखो खाली इसकी, पहली स्टेज है पॉलिटिकल अपोजिशन। ठीक है, जो सॉरी पोटेंशियल अपोजिशन, पॉलिटिकल बोल रही हूँ, पोटेंशियल अपोजिशन। जो दूसरी स्टेज है वो है कॉग्निशन एंड पर्सनलाइजेशन। ठीक है, कॉग्निशन एंड पर्सनलाइजेशन। ठीक है, फिर है हमारे इंटेंशंस। ठीक है, फिर आता है आपका जो बिहेवियर है। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे आउटकम्स, क्या आते हैं यहाँ पे आउटकम्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों ही अप्रोचेस हो गई आपकी। ठीक है, याद रहेगी, इसमें कोई दिक्कत। अब आ जाओ नेक्स्ट सोशल इंस्टीट्यूशन पे। सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशन इज अ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज अ स्पेसिफिक रोल। अब ये कीवर्ड्स याद रखना, स्पेसिफिक रोल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन होते हैं। ठीक है, विच फंक्शन टू मीट टू सोशल नीड ऑफ द सोसाइटी। मतलब एक सोशल इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसका कुछ स्पेसिफिक रोल होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन होते हैं, जो आपस में एक साथ फंक्शन करते हैं सोसाइटी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, लाइक आपके फैमिली, गवर्नमेंट, रिलीजन, एजुकेशन, जो मीडिया है, ये सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस कैसे होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, कंटिन्यूअली इंटरैक्ट करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशन इज एन एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस, जो ट्रेडिशन है, जो बिहेवियर है, या फिर सिस्टम ऑफ रूल्स और रिलेशनशिप है। ठीक है, दैट इज कंसिडर्ड अ नॉर्मेटिव स्ट्रक्चर और अरेंज विद इन अ सोसाइटी। तो हम कह सकते हैं एक जो सोशल इंस्टीट्यूशन होता है वहां पे कुछ इंटर रिलेटेड सिस्टम होते हैं, जैसे आपके क्या सोशल रोल्स हैं, क्या सोशल नॉर्म्स हैं, कैसे वो एक बॉडी में ऑर्गेनाइज हैं। ठीक है, सोशल नीड्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, और सोशल जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनका एक ऑर्गेनाइज पैटर्न होता है, उनका कुछ बिलीफ होता है, कुछ बिहेवियर होते हैं, है ना, जो वो जिसके थ्रू वो फंक्शन करते हैं। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स हैं यहाँ पे सोशल इंस्टीट्यूशन के, यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, वो किसी उनके कुछ कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, मटेरियल रिसोर्सेज होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं उनके, जिससे वो फुलफिल करते हैं सोशल नीड्स को, मतलब जो भी सोशल सोसाइटी की जो नीड्स होते हैं उसको फुलफिल करते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन में, टाइप्स की बात करते हैं यहाँ पे, फैमिली, स्कूल और सोसाइटी, इसको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो फैमिली है वो आपका प्राइमरी होता है, और मतलब फैमिली का ये प्राइमरी फंक्शन है और सेकेंडरी फंक्शन है। ठीक है, ये ऐसे दे रखा हुआ है। अभी यहाँ पे ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है,
किंग्सले डेविस जो फंक्शन है फैमिली का, ठीक है, अब इसके नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है, किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस में कौन कौन से फंक्शन है फैमिली के, रिप्रोडक्शन है, मेंटेनेंस है, प्लेसमेंट है, सोशलाइजेशन है। उसके बाद आता है ऑगबोर्न एंड निमकॉफ का, जिसमें रिक्रिएशनल है, एफेक्शनल है, इकोनॉमिक है, प्रोटेक्टिव है, रिलीजियस है एंड एजुकेशनल है। पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए ये नाम आपको याद होने चाहिए। फिर रीड के जो फंक्शन है फैमिली के वो क्या है, सोशलाइजेशन, रेस परपिचुएशन, इकोनॉमिक फंक्शन, रेगुलेशन एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ अ सेक्स, ठीक है। फिर मैकिवन ने क्लासिफाई किया फंक्शन ऑफ फैमिली को दो टाइप्स में, एक होते हैं इजेंशियल, एक होते हैं नॉन इजेंशियल। इजेंशियल वो है लाइक आपका जो स्टेबल सेटिस्फेक्शन होता है, सेक्स नीड हो गए, प्रोविजन ऑफ होम का, है ना, रेयरिंग ऑफ अ चाइल्ड का, प्रोडक्शन, ये सारी चीजें। नॉन इजेंशियल क्या है, रिलीजियस, एजुकेशनल और जो हेल्थ और रिक्रिएशन होते हैं, वो सारी चीजें, ठीक। तो हम ये पूरा कीवर्ड है, सोसाइटी क्या है, जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल है एक दूसरे के साथ, वो क्या करते हैं कुछ वैल्यूज को, कुछ नॉर्म्स को एक ज्योग्राफिकल एरिया में शेयर करते हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ सोसाइटी, हेल्प करना इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, गिव सेंस ऑफ पर्पस, प्रिजर्वेशन ऑन सोशल ऑर्डर, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, है ना, कल्चर का ट्रांसमिशन तो होता है सोसाइटी में और रिप्रोडक्शन भी होता है ह्यूमन रेस का यहाँ पे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, लाइकनेस होती है, पूछा हुआ क्वेश्चन है यहाँ से। डिफरेंसेस भी होते हैं, इंटरडिपेंडेंस होते हैं और आपस में कॉपरेशन भी होता है, ठीक है। फंक्शंस क्या है, प्रोविजन फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ अ बेसिक नीड जो है फूड, सोशलाइजेशन, इंटरडिपेंडेंस होना चाहिए, सोशल कंट्रोल होना चाहिए और गोल अटेनमेंट भी होना चाहिए और जरूरत पड़ने पे रिप्लेसमेंट भी हो, और लेबर का क्या करना चाहिए, डिवीजन, मतलब जो भी काम है वहां पे लेबरों का क्या करना चाहिए, डिवीजन, ठीक है। उसके अलावा सिस्टम ऑफ रोल एलोकेशन, हर किसी का एक रोल होता है, अलॉटेड होता है, सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सोशल मूवमेंट पे, ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक है सोशल मूवमेंट। सोशल मूवमेंट रिफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ शेयर्ड सेट ऑफ बिलीफ। मतलब सोशल मूवमेंट क्या होता है, सोशल मूवमेंट रिफर करता है एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को जिसका एक कलेक्टिव आइडेंटिटी होता है, कीवर्ड, और कुछ ये सेट ऑफ बिलीफ्स को शेयर करते हैं। सोशल मूवमेंट कैसे होते हैं, पर्पसफुल होते हैं, कई बार पूछा गया हुआ है, ठीक है। एक ग्रुप पूरा उसमें ऑर्गेनाइज्ड होता है जो किसी एक दैट स्ट्राइव टू वर्क टूवर्ड्स अ कॉमन सोशल गोल, ठीक है, किसी एक कॉमन सोशल गोल की तरफ वो काम करते हैं। और ये एक ये स्टेटमेंट है, ये एक वॉलेंट्री एसोसिएशन होता है लोगों का, वॉलेंट्री मतलब खुद से एसोसिएशन होता है लोगों का, जिसमें लोग खुद से एंगेज करते हैं कोई चेंज लाने के लिए सोसाइटी में, एक लार्जर लेवल पे वो चेंज लेके आते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका सोशल मूवमेंट है। यहाँ पे यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब आती है बात स्टेजेस की, कौन कौन सी स्टेजेस होती है, जब भी कोई सोशल मूवमेंट लेके आते हैं तो वो तुरंत नहीं आता है ना, वो तुरंत नहीं आता, कुछ वो स्टेजेस पे होके आता है। वो स्टेजेस कौन सी है, जब प्रिलिमिनरी स्टेज, मतलब जो पहली स्टेज है, वो पहली स्टेज क्या है, पीपल बिकेम अवेयर ऑफ द ऑफ एन इशू, मतलब पहली स्टेज ये है लोगों को पहले जो लोगों को अवेयर कराओ कि आखिर इशू क्या है, आखिर प्रॉब्लम क्या है, ये है पहली स्टेज। फिर आता है कॉलेसेंस स्टेज, मतलब कॉलेसेंस स्टेज में क्या होता है आपका, ये जो दूसरी स्टेज है कॉलेसेंस स्टेज में क्या होता है, पीपल ज्वाइन टूगेदर एंड ऑर्गेनाइज इन ऑर्डर टू रेज अवेयरनेस। मतलब पहली स्टेज में तो वहां पे आपने अवेयर किया उन्हें कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ये इशू है, ठीक है, ये आपके लीडर है यहाँ पे, ठीक है। आता है कॉलेसेंस स्टेज, यहाँ पे एक साथ लोग जुड़ते हैं, ठीक है, इसको मतलब ये जो मूवमेंट है उसको रेज करने के लिए। फिर इन द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन स्टेज, यहाँ पे मूवमेंट कैसा हो जाता है, ग्रॉस रूट लेवल से, मतलब द मूवमेंट नो लॉन्गर रिक्वायर्ड ग्रॉस रूट वॉलेंट्रीज, ठीक है। फिर आता है व्हेन पीपल फॉल अवे एंड अडॉप्ट अ न्यू मूवमेंट, अब यहाँ पे लोगों ने क्या किया, उस मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है, ये देखो पूरा है, ठीक है। पहले क्या होता है, इमर्ज करता है यहाँ पे कि हाँ ये चीज़ें, फिर कॉलेसेंस स्टेट आती है, फिर ब्यूरोक्रेटिक आती है, मतलब जो आपका मेन लीडर है, यहाँ पे सक्सेस, फेलियर, कॉपरेशन, रिप्रेशन, गो मेनस्ट्रीम, ये आता है। फिर आप बाद में क्या होता है, ये डिक्लाइन कब होता है, जब हम उस मूवमेंट को, मतलब उस चेंज को अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये फीचर्स क्या है, इट इज एन इफर्ट बाय अ ग्रुप, ये एक ग्रुप इफर्ट होता है, इट्स एम टू ब्रिंग अ रेसिस्ट अ चेंज इन द सोसाइटी, मतलब हमें क्या करना है, सोसाइटी में चेंज लेके आना है, ठीक है। ये कैसा, ये ऑर्गेनाइज भी हो सकता है और अनऑर्गेनाइज भी हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे, ठीक है। जो सोशल मूवमेंट होते हैं वो ऑर्गेनाइज भी हो सकते हैं और अनऑर्गेनाइज भी हो सकते हैं,
ये पीसफुली भी किया जा सकता है और वायलेंटली भी हो सकता है, ये लॉन्गर पीरियड के लिए भी होता है और या फिर मरते दम तक का हम खाना नहीं खाएंगे, ऐसे धरने पे बैठ जाओ, ठीक है, ये चीज है। अब टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट की बात करें, रिफॉर्म मूवमेंट, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, रिएक्शनरी और रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, रेजिस्टेंस मूवमेंट या फिर यूटोपियन मूवमेंट, ठीक है, ये सारे मूवमेंट होते हैं। ठीक, एक मिनट रुको, इसका मैं कीवर्ड आपको बताती हूँ। जब हम बात करते हैं रिफॉर्म मूवमेंट की, ठीक है, रिफॉर्म जो मूवमेंट है, एक मिनट लिख के भी बता दूं यहाँ पे, जो रिफॉर्म मूवमेंट होते हैं कैरी आउट रिफॉर्म इन, यहाँ पे क्या करते हैं लिख लो चाहे तो, कैरी आउट रिफॉर्म्स इन सम स्पेसिफिक एरिया ऑफ द रिफॉर्मर्स, ठीक है, एंडेवर टू चेंज एलिमेंट ऑफ द सिस्टम फॉर द बेटर, एंडेवर टू चेंज सिस्टम फॉर बेटर, मतलब क्या है, यहाँ पे सिंपल सा समझो, ये जो रिफॉर्म, हम कोई चीज चेंज लाना चाह रहे हैं, ठीक है, रिफॉर्म करना चाह रहे हैं, वो किसके लिए, बेटर के लिए, मतलब हम क्या कर रहे हैं, कुछ एलिमेंट में, सिस्टम के कुछ एलिमेंट है वहां पे हम चेंजेस लेके आना चाह रहे हैं जिससे वहां पे बेटरमेंट के लिए। फिर आता है रिवोल्यूशनरी, रिवोल्यूशनरी जो होता है मूवमेंट, यहाँ पे क्या होता है, दे एडवोकेट रिप्लेसिंग द इंटायर एग्जिस्टिंग सिस्टम, यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, रिप्लेसिंग entire existing system, ठीक है, पूरे सिस्टम को ही यहाँ पे हम लोग रिप्लेस करने की करते हैं यहाँ पे। फिर आता है रिएक्शनरी, रिएक्शनरी मतलब दीज एम टू रिवर्स द सोशल चेंज, इनका एम क्या होता है, जो भी सोशल चेंज है उनको रिवर्स करना, रिवर्स द चेंज, जो भी चेंज हो गए हैं उसको रिवर्स कर देना। फिर आता है रेजिस्टेंस मूवमेंट, रेजिस्टेंस मूवमेंट मतलब अभी जो चेंजेस हो गए हैं, रेजिस्टेंस मूवमेंट में क्या होता है, मतलब जो चेंजेस हो चुके उनको रेजिस्ट करना, मतलब जो चेंज हो चुका है दैट इज ऑलरेडी टेकिंग प्लेस इन द सोसाइटी, मतलब जो चेंजेस हो चुके हैं उसको रेजिस्ट करना, बनाए रखना उस चेंज को। यहाँ पे यूटोपियन मूवमेंट स्टेट ऑफ परफेक्शन, ठीक है, यूटोपियन मूवमेंट स्टेट ऑफ परफेक्शन, ठीक है, याद रहेगा। रिफॉर्म में फिर से समझा दे रही हूँ, जो रिफॉर्म मूवमेंट होते हैं, ठीक है, जो रिफॉर्म मूवमेंट होते हैं वो किस लिए होते हैं, कैरी आउट रिफॉर्म्स, कुछ हम लोग सुधार के प्रयास करते हैं जिससे जो हमारा सिस्टम है उसके जो कुछ एलिमेंट है उसको हम चेंज कर पाए उसकी बेटरमेंट के लिए। रिवोल्यूशनरी में हम क्या करते हैं, पूरे पूरे सिस्टम को ही, पूरे पूरे स्ट्रक्चर को ही रिप्लेस कर देते हैं वहां पे। रिएक्शनरी में हम क्या करते हैं, जो सोशल चेंज आया हुआ है ना, उसको हम क्या करते हैं, रिवर्स करने की, रिवर्स करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं। फिर आता है आपका रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब कहने का जो ऑलरेडी चेंजेस हो रखे हैं उसको हम यहाँ पे रेजिस्ट कर पाए, बनाए रख पाए। यूटोपियन मूवमेंट ये किस लिए होता है, दीज आर अटेम्प्ट टू टेक द सोसाइटी और अ सेक्शन ऑफ इट टूवर्ड्स अ स्टेट ऑफ परफेक्शन, मतलब स्टेट ऑफ परफेक्शन की तरफ ले जाने के लिए ये चेंज होता है, ठीक है। अब आते हैं थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट, जिसमें आता है रिलेटिव डेप्रिवेशन, रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी, रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी, न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी और पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी, ठीक है। जब हम बात करते हैं डेप्रिवेशन के दो ब्रांचेस होती हैं, एक होती है एब्सोल्यूट डेप्रिवेशन, एक होती है रिलेटिव डेप्रिवेशन। जब एब्सोल्यूट डेप्रिवेशन की बात करते हैं, जो द प्रोपोनेंट ऑफ एब्सोल्यूट डेप्रिवेशन ट्रीटेड दीज ग्रीवनेस, ये जो ग्रीवनेस है of the affected group in the isolation from the group position in a society. Proponent जो है relative deprivation के on the other hand regarded a group to be in this advantageous position. ठीक है, सम अदर ग्रुप इन दैट सोसाइटी, ठीक है, वो एडवांटेजियस पोजिशन पे मानते हैं, ठीक है। अब ये जो रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी है ना, जो ये रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी है, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच इंडिविजुअल हु आर लैकिंग सम गुड सर्विस और कंफर्ट आर मोर लाइकली टू ऑर्गेनाइज अ सोशल मूवमेंट टू इम्प्रूव देयर कंडीशन, मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो इंडिविजुअल है ना, उनको किसी चीज की कमी महसूस हो रही होती है, यहाँ पे क्या होता है, लोग मतलब वो क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को दूसरे के साथ कंपेयर कराते हैं। मान लो कि हमारे पास, हमारे पड़ोसी के पास ये चीज़ है और हमारे पास नहीं है, तो हमें उस चीज़ की कमी लगती है,
ठीक है, मतलब हमें बहुत हम अपने आप को उससे कम मानते हैं, ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे होती है रिलेटिव डेप्रिवेशन, ठीक है, ये क्या होती है यहाँ पे रिलेटिव डेप्रिवेशन, इट रेफर्स टू द डिसकंटेंट दैट पीपल फील व्हेन दे कंपेयर देयर पोजीशन टू दोज अराउंड देम एंड रियलाइज दैट दे हैव लेस ऑफ दैट, ठीक है, विच दे बिलीव देमसेल्फ टू बी एंटाइटल्ड, मतलब वो समझते हैं कि उसके पास जो है वो मेरे पास भी होना चाहिए, हमारे पास उससे कम है ये चीज, ठीक है। फिर आता है रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी, इट इम्फेसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, इन सोशल मूवमेंट डेवलपमेंट एंड सक्सेस, यहाँ पे रिसोर्सेज आते हैं, रिसोर्सेज कौन कौन से, जिसमें नॉलेज है, मनी है, मीडिया है, लेबर है, सॉलिडिटी लेजिटिमेसी, इंटरनल एक्सटर्नल जो सपोर्ट होता है, ये सारी चीजें आते हैं। फिर आते हैं न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी पे, न्यू सोशल मूवमेंट जो थ्योरी है वो फोकस करता है इशू रिलेटेड टू, ये पूछा हुआ है, ह्यूमन राइट रदर देन ऑन मटेरियलिस्टिक कंसर्न, मटेरियलिस्टिक कंसर्न कहाँ पे है, यहाँ पे है, और ये किसकी बात करता है, ह्यूमन राइट की बात करता है, ठीक है, ह्यूमन राइट की बात करता है, उस पे फोकस करता है, ठीक है, नॉट ऑन मटेरियलिस्टिक कंसर्न सच एज सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, ठीक है, ये तीनों थ्योरी हो गई। फिर आता है पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी, एक और है, जब पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी की यहाँ पे बात करते हैं तो ये यहाँ पे इट अर्जेस दैट देर आर थ्री वाइटल कंपोनेंट फॉर मूवमेंट फॉर्मेशन, किसी भी मूवमेंट को फॉर्म करने के लिए तीन वाइटल कंपोनेंट होते हैं आपके, इनसर्जेंट कॉन्शियसनेस, क्या है इनसर्जेंट कॉन्शियसनेस होता है, जिसे विद्रोही चेतना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विद्रोही चेतना बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल मतलब विद्रोही चेतना, मतलब इनसर्जेंट कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है, रिफर्स बैक टू द आइडिया ऑफ डेप्रिवेशन एंड ग्रीवनेस, ठीक है, मतलब यहाँ पे विद्रोही चेतना आ जाती है। फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ, मतलब जो संगठनात्मक जो स्ट्रेंथ है आपका, है ना, ये आता है इसके बेसिस पे। फिर पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी, मतलब जो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो ये पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी है, ये अर्ज करती है तीन वाइटल कंपोनेंट होते हैं किसी भी मूवमेंट को फॉर्म करने के लिए, इंसर्जेंट कॉन्शियसनेस, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ और पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी, ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आई, किसी को यहाँ तक दिक्कत। अब आ जाते हैं यूनिट सेक्शन फोर पे, ये सेक्शन फोर चल रहा है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सोशलाइजेशन की, सोशलाइजेशन क्या है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, सोशली डिजायर्ड कुछ वैल्यूज, कुछ नॉर्म्स, कुछ रूल्स जो होते हैं उसको हम लर्न करते हैं, तो कह सकते हो सोशलाइजेशन को हम क्या कह सकते हैं, लर्निंग ऑफ सोशली डिजायर्ड, ठीक है, सोशली डिजायर्ड क्या, जो वैल्यूज हैं, जो नॉर्म्स हैं, जो रोल्स हैं, ठीक है, एज अ मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सोसाइटी, ठीक है, वो क्या है, हमारा सोशलाइजेशन है। सोशलाइजेशन के क्या प्रोसेस होते हैं, यहाँ पे कॉपरेशन होता है, रियरिंग होती है, इमिटेशंस होते हैं, देख के सीखते नहीं है, सिंपैथी होती है, सजेशन भी देते हैं, सोशल टीचिंग होती है, रिकॉग्निशन होता है, ये सारी चीजें। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, यह लगातार चलता है। इट हेल्प्स इन इनकल्केशन ऑफ प्रिंसिपल वैल्यूज एंड सिंबल ऑफ सोशल सिस्टम, हम यहाँ पे इनकल्केट करते हैं जो भी प्रिंसिपल्स हैं हमारी सोसाइटी के, जो वैल्यूज हैं, जो सिंबल्स हैं, है ना, सोशलाइजेशन इनेबल करता है प्रिंसिपल पर्सन को सो दैट वो इनैक्ट कर सके कुछ रोल्स को, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ सोशल नेचर इनेबल द पर्सन टू पार्टिसिपेट इन सोशल लाइफ, ठीक है, ये जो डेवलपमेंट होता है सोशल नेचर का वो हमें हेल्प करता है जिससे हम सोशल लाइफ में सोशल जगहों पे पार्टिसिपेट कर पाए। ये कंट्रोल करता है कैसे हम ह्यूमन हेल्प करता है इन कंट्रोलिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, इन कंट्रोलिंग द ह्यूमन बिहेवियर। कैरेक्टरिस्टिक्स अब आ जाते हैं इसके बाद, ये हो गया ना, उसके बाद आते हैं मटेरियल पे, ठीक है, एक मिनट को, कल्चर की बात करते हैं। कल्चर जो होता है उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है मटेरियल कल्चर, एक होता है नॉन मटेरियल कल्चर। मटेरियल कल्चर वो होते हैं जहाँ पे कंक्रीट और टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स आते हैं, लाइक आपका टूल, इम्प्लीमेंट, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल, ये सारी चीजें, ठीक है, यहाँ पे टेंजिबल चीजें आती हैं और यहाँ पे नॉन टेंजिबल चीजें आती हैं, ठीक है, यहाँ पे नॉन टेंजिबल चीजें आती हैं कि कैसे मैनर्स हैं आपके पास, क्या एटीट्यूड है आपका, कौन सी लैंग्वेज है, कैसा बिलीफ है आपका, ठीक है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स आती हैं, एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट आते हैं और यहाँ पे कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है, तो ये है आपके मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर। क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, कल्चर कैसा है, सोशल है,
कल्चर को हम क्या करते हैं, शेयर्ड होता है, ठीक है, कल्चर को सीखा जाता है, पूछा हुआ है। कल्चर कैसा होता है, ट्रांसमिसिव होता है, एक जनरेशन से दूसरे में ट्रांसमिट करते हैं, एक से हम दूसरे में ट्रांसमिट करते हैं। कल्चर कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है और क्यूमुलेटिव होता है। कल्चर वेरीज करता है सोसाइटी टू सोसाइटी, ठीक है, और कल्चर कैसा एस्पेक्ट है, एक डायनेमिक एस्पेक्ट है। यहाँ तक चीजें समझ में आई, ठीक। अब ये पूरा कंप्लीट हो चुका है आपका, ठीक। अब हमारे बचते हैं क्या है, थिंकर्स, इधर आ जाओ। एक मिनट को, इधर आओ, कहा गया, बस बंद ना हो। एक पीछे अभी हम लोग को पढ़ना है गांधी जी के बारे में, है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, जिद्दू कृष्ण मूर्ति के बारे में। और मैं बता दूं, ये जो जितने भी थिंकर्स हैं जिनको मैं यहाँ पे अभी बताने जा रही हूँ, सिर्फ छोटे छोटे इसके कीवर्ड्स ही मैं बताऊंगी, क्योंकि मैंने इसका डिटेल पीडीएफ ऑलरेडी आप लोगों को दे रखा हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी मैंने इसका डिटेल पीडीएफ दे रखा हुआ है टेलीग्राम पे, ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, आपको इसको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि मैंने करवा रखा हुआ है इसे। एक मिनट, हाँ, यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद, ठीक है, अब ये जितने भी आप देखोगे ना, ये सारे मैंने करा रखे हुए हैं, कोई ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं कराया है यहाँ पे। देखो, जब स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट रुकना, ये क्या था, इसमें स्लाइड्स थोड़ी सी आगे पीछे है ना, इस वजह से। अच्छा, ये से स्टार्ट करते हैं। इनका एक स्टेटमेंट है, स्टैंड अप, बी बोल्ड, बी स्ट्रॉन्ग, नो दैट यू आर अ क्रिएचर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, ऑल द स्ट्रेंथ एंड सक्सेस यू वॉन्ट इज विद इन योर सेल्फ। मतलब खड़े हो जाओ, मजबूत बनो, जान लो कि आप ही भाग्य के निर्माता हो, जो कुछ भी ताकत है, जो आप सफलता चाहते हो, सब कुछ आपके अंदर है, ये चीज इन्होंने बोली थी, ठीक है। अब इनके बारे में जब हम बात करते हैं विवेकानंद जी के बारे में, तो इनके कुछ फिलोसफिकल जो बेसिस हैं विवेकानंद के एजुकेशनल के, मैं जो चीज ढूंढ रही हूँ वो नहीं मिल रही है मुझे। चलो कोई नहीं, इसे स्टार्ट करते हैं। स्वामी विवेकानंद का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 12 जनवरी 1863 को, ठीक है। इनकी प्राइमरी स्कूलिंग मेट्रोपॉलिटन स्कूल कोलकाता यहाँ पे हुई थी, और ये सब तो इनका ये है, इनके जो चाइल्डहुड जो इनका नेम था स्वामी विवेकानंद था, फिर उसके बाद नरेंद्र पड़ा, इनके फादर जो थे विश्वनाथ दत्त, ठीक है, ये सारी चीजें। अब इन्होंने इनका जो मेन है, ठीक है, इनका जो मोमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो कब हुआ था, जब इन्होंने रामकृष्ण परमहंस से ही मिले थे, ठीक है। क्या इनका फिलोसफिकल बेसिस है विवेकानंद का एजुकेशनल थॉट का, द इजेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन फिलोसफी ऑफ स्वामी विवेकानंद आर, जो इजेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है एजुकेशनल फिलोसफी स्वामी विवेकानंद की, वो क्या है, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म। नेचुरलिस्टिक व्यू पॉइंट, अब ये इंपॉर्टेंट है, जो नेचुरलिस्टिक व्यू पॉइंट है वो क्या कहता है, ही एम्फसाइज दैट रियल एजुकेशन इज पॉसिबल ओनली थ्रू नेचर एंड नेचुरल प्रोपेंसिटीज। ये बोलते हैं जो रियल एजुकेशन है वो कैसे मिल सकती है, सिर्फ नेचर और नेचुरल प्रोपेंसिटीज से। आइडियलिस्टिक व्यू पॉइंट के थ्रू ये बोलते हैं, ही सेज दैट एम ऑफ एजुकेशन इज टू डेवलप द चाइल्ड विद मोरल एंड स्पिरिचुअल क्वालिटीज। एम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए, बच्चे का मोरल और स्पिरिचुअल क्वालिटीज को डेवलप करना। प्रैग्मेटिस्ट व्यू पॉइंट में क्या है, इन्होंने जो वेस्टर्न एजुकेशन है
टेक्नोलॉजी, कॉमर्स, इंडस्ट्री, साइंस, इन सब का यूज किया है मटेरियल प्रॉस्पेरिटी के लिए, ठीक है, इसको इम्फेसाइज किया है. फिलोसफी ऑफ स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर कमेंटेड ऑन स्वामी विवेकानंद. रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वामी विवेकानंद पे कमेंट किया था उनकी टीचिंग पे, इफ यू वॉन्ट टू नो इंडिया, लाइन पूछी हुई है, इफ यू वॉन्ट टू नो इंडिया स्टडी विवेकानंद. ये किसने कमेंट किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वामी विवेकानंद जी के लिए कमेंट किया था, अगर आप इंडिया को जानना चाहते हो तो स्वामी विवेकानंद को जानो, ठीक है. इन उनके अंदर कुछ एवरीथिंग इज पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव है, कुछ भी नेगेटिव उनके अंदर नहीं है. विवेकानंद रियलाइज्ड कंट्री फ्यूचर डिपेंड ऑन इट्स पीपल. विवेकानंद ने को ये रियलाइज हुआ जो कंट्री का फ्यूचर है वो लोगों पे डिपेंड करता है, इसीलिए इन्होंने मैन मेकिंग की बात की, मैन मेकिंग एजुकेशन देने की बात की. मेनली स्ट्रेस किस चीज पे किया? मैन पे किया. मैन मेकिंग इज माई मिशन, इन्होंने बोला अपनी टीचिंग में भी, इन्होंने इस चीज को डिस्क्राइब किया जो मैन मेकिंग है यही मेरा मिशन है. विवेकानंद एक हिंदू मॉन्क थे इंडिया के, इन्होंने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया वेदांता को इंट्रोड्यूस कराने में. ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है जो वेदांता के साथ कौन एसोसिएटेड है, आपके विवेकानंद एसोसिएटेड है, ठीक है. इजेंस क्या है इनके एजुकेशन का? टू विवेकानंद एजुकेशन वॉज नॉट ओनली कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन. विवेकानंद का जो एजुकेशन वो सिर्फ इतना नहीं है कि हमें इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, बट उससे हमें कुछ मीनिंगफुल निकालना है. ही फेल्ट एजुकेशन शुड बी मैन मेकिंग, लाइफ गिविंग, करेक्टर बिल्डिंग. की वर्ड, इनका एजुकेशन कैसा होता है? मैन मेकिंग, लाइफ गिविंग और करेक्टर बिल्डिंग, ठीक है. इनके अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या है? एक एसिमिलेशन है. यहाँ पे किस चीज, जो भी नोबल आइडियाज है उसका यहाँ पे क्या होता है? एसिमिलेशन होता है, ठीक है. इनके अकॉर्डिंग एजुकेशन इज नॉट द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट यू पुट इनटू द योर ब्रेन रन नॉट देयर अनडाइजेस्टेड ऑल योर लाइफ. मतलब एजुकेशन सिर्फ वो नहीं है कि आपके पास कितना ज्यादा अमाउंट में इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ ये नहीं है, ठीक है. शिक्षा का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपके पास कितनी जानकारी है, ठीक है, वो कैसे चलती है, ये सारी चीजें नहीं. वी मस्ट हैव लाइफ बिल्डिंग. हमारे पास कैसी एजुकेशन होनी चाहिए? लाइफ बिल्डिंग एजुकेशन होनी चाहिए, मैन मेकिंग एजुकेशन होनी चाहिए, करेक्टर मेकिंग एजुकेशन होनी चाहिए. ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए जहाँ पे एसिमिलेशन हो हमारे आइडियाज का, है ना. ये चीज, ये की पॉइंट ध्यान रखना. पॉजिटिव एजुकेशन कहने का मतलब क्या है? विवेकानंद स्ट्रेस्ड ऑन गिविंग द पॉजिटिव एजुकेशन बिकॉज नेगेटिव एजुकेशन को इन्होंने अपोज किया था. नेगेटिव एजुकेशन क्या करती है? हमारे थॉट को वीक करती है. ही टोल्ड दैट इफ यंग बॉय एंड गर्ल्स आर इनकरेज, ठीक है, आर नॉट अननेसेसरी क्रिटिसाइज ऑल द टाइम, दे आर बाउंड टू इम्प्रूव इन टाइम. ये बोलते थे अगर हम किसी भी बच्चों, जो भी बच्चे हैं, अगर उनको हम लोग इंकरेज करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम उनको इंकरेज करें, ना कि उन्हें क्रिटिसाइज करें, तो वो इम्प्रूव करेंगे. तो वो क्या करेंगे? इम्प्रूव करेंगे. ये कौन थे? फॉलोवर थे आपके विवेकानंद के, ठीक है. कौन थे? फॉलोवर थे विवेकानंद के. फिर उन्होंने नेशनल इंटीग्रेशन में अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद सेक्टेरियन वॉयलेंस एंड ग्रोइंग इनटॉलरेंस एंड थ्रेटनिंग द सोशल हार्मनी एंड नेशनल सिक्योरिटी. इनटॉलरेंस ऑफ ऑल काइंड, बी इट रिलीजियस टॉलरेंस, कास्ट टॉलरेंस, ऑल हैव बीन ऑन द राइज ऑफ सम टाइम, थ्रेटनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ नेशन. मतलब राष्ट्रीय एकता पे भी इन्होंने बोला था, जहाँ पे स्वामी विवेकानंद के अनुसार जो संप्रादिक जो सेक्रेटेरियन जो वॉयलेंस है वो बढ़ रही थी, ठीक है. इनटॉलरेंस जो था वो थ्रेट कर रहा था सोशल हार्मोनी को, ठीक है. ये सारी चीजें ह्यूमन माइंड. स्वामी जी सजेस्टेड दैट नॉट टू डू एनीथिंग विच डिस्टर्ब द माइंड और मेक इट रेस्टलेस. मतलब कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जो माइंड को डिस्टर्ब करे, उसे रेस्टलेस बनाए. स्वामी ने ह्यूमन माइंड को एक मंकी से कंपेयर किया है. इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, जो हमेशा कैसा रहता है? रेस्टलेस रहता है, ठीक है. आर इनसेसेंटली एक्टिव बाय हिज ओन नेचर, ठीक है. वुमेन डेवलपमेंट पे भी इन्होंने काम किया. इन इट इज कम्प्लीटली अनफेयर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सेक्सेस. ही सजेस्ट नॉट टू थिंक दैट देर आर मैन एंड वुमेन बट ओनली देर आर ह्यूमन बींग. इन्होंने बोला हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए कि ये मैन है ये या फिर वुमेन है. हमें ये मानना चाहिए ये कौन है, ये ह्यूमन बींग्स है, ठीक है. इनका जो इनके द आइडियल ऑफ वुमेनहुड इन इंडिया इज मदरहुड, द मार्वलेस, अनसेल्फिश. जो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद के अनुसार जो आदर्श मातृत्व है वो क्या है? मदरहुड. मार्वलेस है, अनसेल्फिश है, सफरिंग्स है, एवर फॉर गिविंग मदर है, ठीक है. फिलोसफी ऑफ एजुकेशन. ऑन द फिलोसफी ऑफ एजुकेशन स्वामी विवेकानंद सेड दैट ऑल नॉलेज, ठीक है, सेकुलर और स्पिरिचुअल,
इज इन द ह्यूमन माइंड. जो भी नॉलेज है, चाहे वो सेकुलर हो चाहे वो स्पिरिचुअल हो, ये ह्यूमन के माइंड में है. इन मैनी केसेज इट इज नॉट डिस्कवर्ड बट रिमेन कवर्ड, एंड वेन द कवरिंग इज बींग स्लोली टेकन ऑफ वी से दैट वी आर लर्निंग एंड द एडवांसेज ऑफ नॉलेज. मतलब कभी कभी जितनी भी नॉलेज है चाहे वो सेकुलर हो या फिर स्पिरिचुअल हो, वो सारे हमारे दिमाग के अंदर है. ठीक है, कई सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे हम इसको डिस्कवर नहीं करते हैं, बस इसको हम क्या करते हैं, कवरिंग करते हो, धीरे धीरे ये टेक ऑफ होते रहते हैं. ठीक है, और हम कह सकते हैं यहाँ पे कि हम यहाँ पे लर्निंग कैसी होती है, जो लर्निंग हो रही है वहाँ पे अपने नॉलेज को हम क्या करते हैं, एडवांस करते हैं. ठीक है, वी आर, ये लाइन ध्यान रखो, वी आर लर्निंग, हम सीख रहे हैं, एंड द एडवांस ऑफ नॉलेज मेड बाय दिस प्रोसेस ऑफ अनकवरिंग. ठीक है, स्वामी विवेकानंद लुक्ड अबाउट एजुकेशन फ्रॉम टू व्यू पॉइंट, जो था ट्रांसेंडेंटल व्यू और इंपेरिकल व्यू. जो ट्रांसेंडेंटल व्यू था वो क्या डिफाइन करता था, एजुकेशन इज डिफाइंड एज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ अ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन. ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट. जो शिक्षा है, एजुकेशन को कैसे डिफाइन किया, वो क्या है, मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन जो ऑलरेडी मैन में है. दैट इज अ कंसोनेंस विद द टीचिंग ऑफ अद्वैत वेदांता. ठीक है, अद्वैत वेदांता. फ्रॉम द इंपेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, एजुकेशन इज डिफाइंड एज अ काइंड ऑफ ट्रेनिंग एंड स्किल बाय विच मैन विल पावर इज ब्रॉट अंडर कंट्रोल एंड बिकम कंडक्टिव टू द गुड ह्यूमैनिटी एज अ होल. ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू अद्वैत वेदांता, मैन इज पोटेंशियली डिवाइन, ही इज आइडेंटिकल विद द सुप्रीम रियालिटी. जो मैन है वो पोटेंशियली डिवाइन है, आइडेंटिकल है विद द सुप्रीम रियालिटी, मतलब ब्रह्मा और एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्शियसनेस ब्लिस की बात करते हैं. स्वामी विवेकानंद ने एजुकेशन को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह माना है सोशल चेंज के लिए. एजुकेशन शुड एम एट कैरेक्टर बिल्डिंग ऑफ एन इंडिविजुअल, प्रमोट करे सेल्फलेस और करेज को. ठीक है, इनके कुछ एजुकेशनल थॉट है, एजुकेशन फॉर करेक्टर बिल्डिंग, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन एंड ऑफ टू मैन एंड वुमेन, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एजुकेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंसंट्रेशन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी मदर टंग, एजुकेशन मस्ट हार्नेस नेशनल एंड ग्लोबल हार्मोनी. इंपॉर्टेंट लाइन है ये. एजुकेशन फॉर इरेडिकेटन, जो भी सुपरस्टिशियस थॉट वगैरह है उनको. ठीक है, एजुकेशनल थॉट क्या है, एजुकेशनल थॉट ऑफ स्वामी विवेकानंद, पहला क्या है, करेक्टर बिल्डिंग होनी चाहिए. ठीक है, लाइफ बिल्डिंग होनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए मैन और वुमेन को, फिजिकल एजुकेशन को इन्होंने इंपॉर्टेंस दी है. एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, जो हमारे पूरी पर्सनालिटी को डेवलप कर पाए. ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ अ कंसंट्रेशन, ठीक है, हमारे माइंड का जो कंसंट्रेशन है उसको डेवलप करे. मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, मदर टंग होना चाहिए. ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए जो हमारी नेशनल और ग्लोबल हार्मोनी को हार्नेस ना करे. ठीक है, सुपरस्टिशियस जो है उसको वो खत्म करे. ठीक है, ये चीजें हैं. एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वामी विवेकानंद फॉर प्रोलिफेरेशन ऑफ हिज थॉट ऑन स्पिरिचुअलिटी एंड एजुकेशन. स्वामी विवेकानंद एस्टैब्लिश द राम कृष्ण मिशन, कब एस्टैब्लिश किया था, ध्यान रखना डेट, 1st May 1897. ठीक है, ये मिशन, दिस मिशन वॉज रन बाय मैथ्स, द डिसिपल्स एंड ब्रह्मचारी साधुस स्टेड इन द मठ, इस मठ में रहते थे, और टीचर्स एंड फॉलोअर्स वर नर्चर्ड. ठीक है, टीचर्स और फॉलोअर्स जो भी थे उनको नर्चर किया जाता था यहाँ पे. ठीक, कुछ की फीचर्स हैं रामकृष्ण मिशन के. ये रामकृष्ण मिशन के दो ग्रुप थे, एक मठ था एक मिशन था. मठ फोकस किस पे करता था, प्रोलिफरेशन, जो एजुकेशनल थॉट है, स्कूल एंड सॉरी प्री प्राइमरी और प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल्स कॉलेजेस वर एस्टैब्लिश फॉर स्प्रेडिंग एजुकेशन. टीचर ट्रेनिंग होती थी, जो प्रोग्राम होते थे उसको ऑर्गेनाइज किया जाता था मठ के अंदर, है ना. स्कूल और कॉलेज का हैड अ प्रोविजन फॉर एजुकेशन ऑफ फिलोसफी एज वेल एज अ वोकेशनल एजुकेशन. पीरियोडिकल लिटरेचर वर रेगुलरली पब्लिश्ड बाय द मठ. जो मिशन, द मिशन फोकस्ड ऑन द सर्विस टू सोसाइटी, हेल्थ केयर सर्विस. ठीक है, जो भी डिसेबल्ड है या फिर हॉस्पिटल सर्विस. ठीक है, एम ऑफ एजुकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, क्रिएशन ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रियलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, रीचिंग परफेक्शन, फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट, मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, रिलीजियस डेवलपमेंट, सर्च करना यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए. ठीक है, उसके अलावा इनका जो करिकुलम था, ही वॉज नॉट इन द फेवर ऑफ द प्रिवलेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री एज इन एजुकेशन वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रिटिश सिस्टम. करिकुलम कैसा होना चाहिए, शुड सिंथेसिस द नॉलेज एंड विजडम ऑफ द ईस्ट एंड वेस्ट. ठीक है, इस करिकुलम की बात की थी. उसके अलावा इन्होंने फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पे भी फोकस किया था. ठीक है, क्योंकि जो फिजिकल एजुकेशन है वो एक इंटीग्रल पार्ट होता है करिकुलम का. ठीक है, डिसिप्लिन में, डिसिप्लिन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पर्सन कैरेक्टर, ईच ऑफ अस टीच आवर सेल्फ. ठीक है,
इन्होंने कुछ चीजों पे और बात की थी. ही लेड स्ट्रेस ऑन द फॉलोइंग क्वालिटीज दैट अ टीचर शुड हैव. टीचर कैसा होना चाहिए? सिनलेस होना चाहिए, पाप रहित होना चाहिए. ही शुड नो द स्पिरिट ऑफ स्क्रिप्चर्स, जो भी स्क्रिप्चर्स हैं उसके बारे में उनको पता होना चाहिए. स्पिरिचुअल फोर्सेज ऑफ द टीचर शुड बी बेस्ड ऑन द लव ऑफ हिज स्टूडेंट्स. द टीचर शुड थिंक दैट ही इज ओनली हेल्पिंग द चाइल्ड टू ग्रो. ही इज एक्सटर्नल टीचर एंड ही ऑफर्स द सजेशन. मतलब टीचर को ऐसा मानना चाहिए वो बच्चे की सिर्फ मदद कर रहा है, वो एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो सजेशन ऑफर कर रहा है. ठीक है. method of teaching, meditation and concentration method, lecture discussion method and self learning. principle of teaching, studying of scripture, service to other, brahmacharya, faith, congenial atmosphere based upon the freedom and discipline. इन्होंने कुछ कंसेप्ट दिए थे, राजयोग का कंसेप्ट दिया था, ज्ञान योग का, भक्ति योग का और कर्म योग का. ठीक है. अब आ जाओ रविन्द्रनाथ टैगोर पे. रविन्द्रनाथ टैगोर बॉर्न कब हुए थे? 7 मई 1861 इन कोलकाता. ठीक है. अब रविन्द्रनाथ टैगोर में क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर विजिटेड, नहीं ये नहीं, यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है, इन्होंने शांति निकेतन, ठीक है, इन्होंने एक एस्टैब्लिश किया था. ही एस्टैब्लिश एन इनोवेटिव स्कूल जिसे बोला जाता था शांति निकेतन बोला जाता था. ठीक है. फिलोसफिकल बेसिस क्या है इनके? आइडलिस्ट बेसिस है, ह्यूमनिस्टिक बेसिस है, स्पिरिचुअलिस्टिक बेसिस है, नेचुरलिस्टिक बेसिस है और वेदांतिस्ट बेसिस है इनका. ठीक है. फिलोसफी क्या है? हिज फिलोसफी ऑफ लाइफ वॉज बेस्ड ऑन द आइडियल ऑफ डेडिकेशन. ठीक है. पैट्रियटिज्म, नेचुरलिज्म इस पे बेस्ड है. ही वॉज एन आइडियल फिलोसफर लाइक रूसो, टैगोर. ठीक है. वॉज एन इंडिविजुअल, ये कैसे थे? एक आइडियलिस्टिक फिलोसफर थे लाइक रूसो एंड रूसो. टैगोर कैसे थे? एक इंडिविजुअलिस्टिक एंड नेचुरलिस्टिक फिलोसफर थे. ही बिलीव इन द राइट एंड फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअलिटी. ठीक है. जो राइट है, वो जो फ्रीडम है इंडिविजुअलिटी का, वो क्या करता है? लाइफ को शेप करता है. बट इन इंडिविजुअल डेवलपमेंट ही अल्टीमेट वॉन्टेड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड. ठीक है. इंडिविजुअल डेवलपमेंट में ये अल्टीमेट यूनिटी ऑफ मैनकाइंड को भी प्रमोट करते थे. ही सेड दैट हर इंडिविजुअल की अपनी अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है, अपनी अपनी तरीके से वो डेवलप करता है. ठीक. एज एन इंडिविजुअल, ठीक है, ही बिलीव इंडिविजुअल की तरह इन्होंने बिलीव करते थे कि इन गिविंग राइट टाइप ऑफ फ्रीडम टू इंडिविजुअल. एज एन आइडलिस्ट, ये बिलीव करते थे मैन शुड लिव फॉर अल्टीमेट ट्रूथ विच लिबरेट अस फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ. मतलब एक अल्टीमेट ट्रूथ के लिए उसे जीना चाहिए जो हमें जन्म मृत मृत्यु का ये जो साइकिल है, चक्र है, उसे हटा सके. ही एज अ स्पिरिचुअलिस्ट ही बिलीव दैट एवरी इंडिविजुअल शुड ट्राई टू अटेन स्पिरिचुअल परफेक्शन. एज अ ह्यूमनिस्ट ही प्रीज्ड ह्यूमन ब्रदरहुड हैविंग फेथ इन फंडामेंटल यूनिटी मैनकाइंड. ठीक है. एज अ नेचुरलिस्ट ही कंसिडर्ड नेचर एज अ ग्रेट टीचर. गॉड रिवील्ड हिमसेल्फ थ्रू वेरियस फॉर्म्स, जिसका गॉड ने अपने आप को रिवील किया है कई सारे फॉर्म्स में, कलर्स में, रिदम में, म्यूजिक में. एज अ वेदांतिस्ट ही बिलीव इन द फिलोसफी ऑफ वेदांता. क्या? आई एम ब्रह्मा. एजुकेशनल थॉट क्या रविन्द्रनाथ टैगोर के? फ्रीडम टू चिल्ड्रन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में फ्रीडम होना चाहिए बच्चों के लिए. एजुकेशन मस्ट इंश्योर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ चिल्ड्रन. मीडियम कैसी होनी चाहिए? मदर टंग होनी चाहिए. टीचर क्या करे? एम्फसाइज करे सेल्फ डिसिप्लिन को इन द क्लासरूम. एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? को रिलेटेड होनी चाहिए लाइफ के साथ. स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना चाहिए अचीवमेंट ऑफ एजुकेशनल गोल्स के लिए. एजुकेशन फॉर हार्मनी विद नेचर. करेक्टर बिल्डिंग होनी चाहिए एजुकेशन. एजुकेशन फिलोसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर जहाँ पे हार्मनी विद ऑल थिंग्स. कौन कौन सी चीजें? जैसे नेचुरलिज्म, मतलब इनकी जो फिलोसफी किस चीज से बेहतर? नेचुरलिज्म, ह्यूमनिज्म, इंटरनेशनलिज्म, आइडियलिज्म. तो इन सबके बीच में क्या होना चाहिए? हार्मनी होनी चाहिए. प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम की बात की, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन की बात की है, एक्टिव कम्युनिकेशन विद नेचर एंड मैन की बात की है उन्होंने. ठीक है. अकॉर्डिंग टू टैगोर एजुकेशन इज टू प्रोड्यूस गुड थिंकर्स. एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? जो गुड थिंकर्स को, अचीवर्स को प्रोड्यूस करे. ठीक है. इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ लाइक फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, मोरल, स्पिरिचुअल. एजुकेशन पर्सन, एक एजुकेटेड पर्सन इज रेडी टू सर्व सोसाइटी. के एजुकेटेड पर्सन क्या क्या होना चाहिए? रेडी होना चाहिए अपनी सोसाइटी को हमेशा सर्व करने के लिए. अकॉर्डिंग टू टैगोर एजुकेशन इज अ परमानेंट पार्ट ऑफ एडवेंचर ऑफ लाइफ. इट इज नॉट लाइक अ पेनफुल हॉस्पिटल. ये एजुकेशन एक परमानेंट पार्ट होना चाहिए जो एडवेंचरस लाइफ होती है. एक पेनफुल हॉस्पिटल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए. ठीक है. इनके एम ऑफ एजुकेशन फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ब्रदरहुड, एजुकेशन फॉर फुलनेस, मोरल एंड स्पिरिचुअल एम. ठीक है. इन्होंने शांति निकेतन स्कूल के बारे में बात की थी. शांति निकेतन स्कूल कब स्टैब्लिश हुआ था? 1901 में इन बोलपुर विलेज नियर कोलकाता. ठीक है.
इम्प्लीमेंटिंग हिज ओन एजुकेशनल थॉट वॉज अ ऑब्जेक्टिव बिहाइंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस स्कूल. मतलब अपने ही खुद की जो एजुकेशनल थॉट थे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इन्होंने इस स्कूल को ओपन किया था. इन शांति निकेतन क्लासेस हैड नो वॉल्स. यहाँ पे क्लासेस में कोई भी वॉल्स नहीं होती थी, वो ओपन में होता था, ओपन स्पेस में. ठीक है, टीचर और स्टूडेंट एक साथ रहते थे यहाँ पे. ठीक है, की फीचर्स क्या है यहाँ पे? शांति निकेतन एक रेसिडेंशियल स्कूल है. स्कूल कमेंस्ड एंड एंडेड विद द मेलोडियस म्यूजिक. स्कूल हैड अ नेचुरल एनवायरनमेंट. पीपल लर्नड अंडर द ओपन स्काइज. ऑल द टीचर वर प्रोफिशिएंट इन देयर ओन सब्जेक्ट्स एंड आर्ट. विश्व भारती, ये 1921 में आया था. रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन स्कूल को कन्वर्ट किया था विश्व भारती में, जिसे विद्यापीठ यूनिवर्सिटी है ना. द वर्ड भारती इन विश्व भारती मीन संस्कृति, मतलब कल्चर. हेंस द यूनिवर्सिटी दैट क्रिएट ग्लोबल कल्चर इज अ विश्व भारती. ठीक है, ये चीज है यहाँ पे. उसके अलावा दिस इज अ वेल नोन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जो विद्यापीठ है. उसका जो मेन मोटो क्या है? यात्रा विषम भावती एक निदम. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ. की फीचर्स क्या है विश्व भारती यूनिवर्सिटी के? जो यूनिवर्सिटी ऑफ ये द यूनिवर्सिटी ऑफर्ड एजुकेशन फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड. ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड टू पोस्ट ग्रेजुएट. ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च तक का ये एजुकेशन ऑफर करती है. द यूनिवर्सिटी हैड इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर है. ठीक है, जहाँ पे इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड कल्चर्स को हम स्टडी कर सकते हैं. यूनिवर्सिटी स्टिपुलेटेड यूनिफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स. इंटरनेशनल स्टूडेंट वर अलाउड टू स्टडी इंडियन आर्ट्स, लिटरेचर, इन सब के लिए स्टडी करने के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट को अलाउ किया गया है बेस्ड ऑन द मेरिट. ठीक है, बेस्ड ऑन द मेरिट द यूनिवर्सिटी ऑफर्ड कॉन्सेशंस इन फीस. यूनिवर्सिटी ऑफर्ड हॉस्टल फैसिलिटीज टू द स्टूडेंट. अर्ली डिपार्टमेंट हैड अ सेपरेट लाइब्रेरी एज वेल एज अ सेंट्रल लाइब्रेरी फॉर स्टूडेंट लर्निंग. यूनिवर्सिटी एनवायरनमेंट वॉज होमली एंड स्पिरिचुअली है ना. देर वॉज अ नाइस कॉन्फ्लुएंस ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर इन द यूनिवर्सिटी. अपार्ट फ्रॉम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट द यूनिवर्सिटी फोकस ऑन कल्चर डेवलपमेंट. ठीक है, ये कुछ की फीचर्स हैं इनके. फिर आता है श्री निकेतन. ठीक है, श्री निकेतन के क्या की फीचर है? श्री निकेतन वॉज अ रूरल सेकेंडरी स्कूल जो इम्पार्ट करता है वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन को. श्री निकेतन स्कूल को ही क्या बोलते हैं? शिक्षा शास्त्र बोलते हैं. श्री निकेतन स्कूल ऑफर करता है फाउंडेशन लेवल ऑफ एजुकेशन को, फैसिलिटेट करता है एजुकेशन, एग्रीकल्चर एजुकेशन, सर्विस टू सोसाइटी. श्री निकेतन वॉज अंडर द परव्यू ऑफ विश्व भारती यूनिवर्सिटी. ठीक है, बात डिसिप्लिन की अगर मैं बात करूँ तो एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज एन ओपन हाउस इन विच स्टूडेंट टीचर आर वन. ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्या है? एक ओपन हाउस है जहाँ पे बच्चे और टीचर एक साथ रहते हैं. ठीक है, एक साथ समय बिताते हैं. ठीक है, एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मस्ट नॉट बी डेड केज इन विच लिविंग माइंड्स आर फेड विद फूड आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड. ठीक है, इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम को फेवर किया है. ठीक है, जिसमें जो सेटिस्फाई कर पाए एक बच्चे का एस्थेटिक, क्रिएटिव और स्पिरिचुअल जो वोकेशनल नीड्स हैं उसको. एक्टिविटी मेथड, टीचिंग वाइल ट्रेवलिंग, डिबेट एंड डिस्कशन और हीरोस्टिक मेथड, ये क्या है कि मेथड ऑफ टीचिंग है. ठीक है, मेजर वर्क क्या है कि गीतांजलि है, क्रेसेंट मून है, तपोवन है, यूनिवर्सल मैन है, साधना, द रियलाइजेशन ऑफ लाइफ, ये सारी चीजें हैं. ठीक है, एक मिनट बच्चा है. एक बार चेक कर लो क्या रह गया इसमें. फिर ये हो गया सारा. ठीक है, इसका जो आपका पीडीएफ है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं गांधी जी का इसमें शायद स्लाइड ऐड नहीं कर पाई हूँ. ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है इसमें स्लाइड नहीं है गांधी जी की. ठीक है, तो गांधी जी का आप लोग उसे टेलीग्राम पे मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगी, वहां से पढ़ लीजिएगा. ठीक है, बेसिकली इधर आ जाओ. फिर से ना चला जाए, डर सी बात क्या है, ऐसे कर लेते हैं. ऐसी करने पे देखो क्या क्या हम लोगों ने कवर कर लिया. यहाँ पे ओवरऑल आपका सेशन कंप्लीट हो गया है. ठीक है, जो यहाँ पे नहीं अभी मैंने बताए हैं उसको मैं यहाँ पे बता रही हूँ.
यूनिट वन, यूनिट वन का ये पूरा था आपका, जो तीन पार्ट में डिवाइड हो चुका है एक्चुअली, ठीक है, तीन पार्ट में, सोचा नहीं था कि तीन पार्ट में ये सेशन डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हो गया है, ठीक है। जहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखी है, पहले समझ लो, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी, पूरा डिटेल में, एक भी पॉइंट यहाँ पे मिस नहीं किया मैंने, पूरे डिटेल में समझा दिया है। कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी, इसका जो कंपेरेटिव एनालिसिस है उसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे अभी थोड़ी देर में शेयर कर दूंगी, ठीक। अप्रोचेस टू सोशियोलॉजी पूरा मैंने कीवर्ड में यहाँ पे बता दिया है। रही बात डी सेक्शन में सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन में, जहाँ पे हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी को डिस्कस कर लिया है, रविन्द्रनाथ टैगोर को डिस्कस कर लिया है, दो लोगों को डिस्कस कर लिया है, आई थिंक ये वाला जो स्लाइड ही किसी और चीज जगह पे लगा हुआ है, लेकिन फिर भी इसका जो पीडीएफ है मैंने, जितने भी एजुकेशनल थिंकर्स हैं इनका जो पीडीएफ है मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी शेयर कर रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं दोबारा से फिर से शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो आपको इसको लिखना नहीं है, आपको आपको ये पूरा पीडीएफ ही मिल जाएगा, वहां से आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये यूनिट वन पूरा आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक, फाइनली कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और जो थोड़ा बहुत रह गया है इसका थिंकर्स का, वो आप लोग टेलीग्राम पे जो पीडीएफ रहेगा वहां से पढ़ लीजिएगा, ठीक। तो अब ये यूनिट वन के बाद ये तीन पार्ट में हो चुका है, ठीक है, जो हुआ तो हुआ। अब जो आगे वाला आपका यूनिट टू रहेगा, ठीक है, मैं अभी बता दे रही हूँ, यूनिट टू का जो कंटेंट रहेगा वो उसकी एक ही क्लास होगी, अब चाहे वो जैसे भी हो, मुझे नहीं पता मैं कैसे इसको कराऊंगी, ठीक है। वैसे छोटी यूनिट है यूनिट टू आपकी, है ना, वो काफी बड़ी यूनिट नहीं है, तो उसका एक ही मैराथन सेशन रहेगा आपका, चाहे वो 3 घंटे का हो या फिर 4 घंटे का हो, वो देखते हैं, ठीक है। तो ये जो सेशन आएगा अब से 2 दिन बाद मैं इसको अपडेट करूंगी, ठीक है, अब से 2 दिन के बाद ये आपका यूनिट टू का कंटेंट आएगा, ठीक। तो आज के लिए फिर सेशन यहीं पर एंड करती हूँ, उम्मीद करती हूँ ये जो सेशन है ये आपके लिए यूजफुल होंगे। और इससे पहले एक सेशन मैंने और अभी रिकॉर्ड किया है, ठीक है, तो वो आप लोग देखिएगा, ठीक है। मतलब यूनिट वन का जो मैराथन है वो 3 सेशन में है, पहला सेशन, दूसरा सेशन एंड तीसरा सेशन, मतलब पार्ट 3 करके ऐसे करके है, ठीक है। तो तीनों ही सेशंस को देखिएगा और प्रॉपर अपने नोट्स को बनाइएगा, ठीक है। अगर कोई क्वेरी लगती है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, और सेशन कैसा लगा, ठीक है, वो भी फीडबैक दे के बता सकते हैं आप लोग, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, एंड जो लोग भी टेलीग्राम ग्रुप पे अभी नहीं ज्वाइन हो वो लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, बिकॉज जो भी आपको पीडीएफ वगैरह मैं दूंगी वो सारे आपको पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा काफ़ी सारे लर्नर्स ने, काफ़ी सारे ने, एक लर्नर ने मुझे एक दो लर्नर, हाँ दो तीन लर्नर हैं, उन्होंने मतलब पीएचडी का जो आपका ये जो बीबीएयू डीयू जेएनयू बीएचयू का जो एग्ज़ाम है उसका क्या पैटर्न होना चाहिए, क्या सिलेबस है, क्या पूरा डिटेल है, ठीक है, उसके लिए पूछा है ना। तो उसका मैं एक अभी वीडियो आधे से 1 घंटे में अपलोड करूंगी, ठीक है, वहां पे पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन दे दूंगी कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।